अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सैडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा महरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू रिक्वेस्ट। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स नसीम शाह और हसनैन, जो अब एक दूसरे का इंस्टाग्राम डीएम चेक कर रहे हैं। वैसे मुझे ये लगता था कि ये लोग इतने बिजी होते हैं कि शायद डीएम चेक ही नहीं करते, क्योंकि मोस्टली मैंने जो डीएम करा है, हम भी किसी के फ़ैन हैं तो हमने भी डीएम करा है फिरोज़ खान को, बट उन्होंने आज तक मेरा डीएम चेक नहीं करा। हाँ, एक बार लाइक ज़रूर आया था मेरे मैसेज के ऊपर, सो उसको लेकर मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वाओ वाओ वाओ, क्या मुझे लाइक मिल गया फाइनली। एक लाइक से मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम पे। कुछ लोग मुझे बोलेंगे यार क्या है ये ऐसे एक लाइक पे खुश हो रहे हो, बट वो एक खुशी अलग ही होती है जब आप किसी के फ़ैन हों और वो आपको रिस्पॉन्स करें सामने से। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। सो इन्होंने अपने डीएम चेक करे तो क्या निकला, लेट्स वॉच। मैं हूँ नसीम शाह और अभी मैं देखूंगा हसनैन का जो इंस्टाग्राम की मैसेजेस देखते हैं फैंस की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं और हसनैन उनको क्या रिप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हसनैन अपना, प्लीज जरा मोबाइल दिखाइए। पहले मैं नसीम का चेक करता हूँ। ये पहले स्टार्ट मैंने किया, स्टार्ट एक मिनट में खोल के देता हूँ, मैं आपको खोल के दो। ये मेरा इंस्टाग्राम। हाँ जी, इंस्टाग्राम। मेरे तरफ नहीं देखना, जो है कैमरे पे दिखाओ, आपका भी दिखाऊंगा फिर। यार वैसे अगर आपस में बात करनी है, डील करनी है तो बताएं। सच बताऊं, इतनी ज्यादा लड़कियों के मैसेजेस है ना, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैंने रिप्लाई किया, देखो आपने रिप्लाई किया है इसलिए उनकी यहाँ पर है ना मैसेज शो हो रहे हैं, पता है आपने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। और यकीन करें एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है इसमें मैसेज आपका नंबर आने वाला है, आपका नंबर सारी लड़कियां हैं। लेकिन देखो जितना आप खतरनाक मैसेज देखोगे ना उतना आपको खतरा है, क्योंकि सेकंड बॉलिंग मेरी है, आप बाकी देख ले। मैं नाम तो नहीं ले रहा लेकिन बहुत ज्यादा लड़कियां, इतना बता रहा हूँ, पढ़ सकता हूँ मैसेज। इतना नीचे जा रहे हो, मैं वो श्रीलंका हैट्रिक के जो आपने किया उसके बाद जो मैसेजेस आए मैं वहां तक चला जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। मैं पढ़ सकता हूँ? पढ़ ले, जो आपने पढ़ ले पढ़ ले, पर देखो आप अपने हिसाब से ऐसे पढ़ लो कि जो फिर आपको खतरा ना हो। वार्निंग भी दे रहे हो इस टाइम पे। इस टाइम पे आपको पता है हसनैन बहुत प्रेशर में है। अब हसनैन को ये डर है कि अगर इसका मैं कोई भी मैसेज करूंगा, इसने तो कुछ नहीं कहा होगा पर मेरे लिए खतरा है। अब ये जो है ना मैसेज लिख रहा है मेरे तरफ से, ठीक है, और ये इसने पढ़ना है, फिर ये चीटिंग है, कैमरा दिखाए यहाँ पे। देख लो, मेरे बारे में तो इसने बोला कि सारे लड़कियां हैं, मेरे ख्याल से सारे लड़के हैं लेकिन इन्होंने लड़कियों की तस्वीरें लगाई है, ऐसे ही है ना। सारों ने सारों ने अपने जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लड़कियों के लगा, लेकिन ये लड़के, आप सही कह रहे हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अब इनकी गलती है क्यों लगाए। अच्छा अब मैं दो मैसेज पढ़ने लगा हूँ जिसमें बहुत जानी जानी के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इसको एक मैसेज आया है, जो मैसेज आया ना उसको पढ़ना नहीं आ रहा क्या लिखा है। नहीं नहीं मैं पहले पढ़ लूँ, अगर ज्यादा खतरनाक है तो नहीं बोलूंगा, अगर ज्यादा खतरनाक नहीं है तो फिर। अच्छा, इसको फ्रेंड्स की तरफ से कोई मैसेज आया कि ओ अच्छा मैं समझा, फिर नसीम ने नहीं दिया हो आपको, चलो बेस्ट ऑफ लक, अभी आप लोगों का बिजी डेज आ रहे हैं। फ्रेंड ने मैसेज किया लक तो सिर्फ प्रोफाइल पे जो पिक्चर लगाई वो लड़की, लेकिन ये लड़का है। इसको मैसेज किया कि जानी व्हाट्सएप पे नजर नहीं आ रहे हो, यानी व्हाट्सएप पे नजर नहीं आ रहे हो। अच्छा ये एक मिनट सबर करें, ठीक है, अब इस यहाँ पे शो कर लूंगा,
तो अच्छी बात नहीं होगी, बस छोड़ दे, मैंने आपका वो रख दिया। बस ये दो मैसेज थे, खैर इसमें इतनी बुरी बात नहीं है। जानी आपको बोला कि व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रहे हो, तो जानी व्हाट्सएप पे आए। जानी मेरा निकनेम है। अच्छा, जानी आपका निकनेम है, तो ये सारे इसलिए आपको जानी कह रहे हैं। अच्छी बात है यार। देखो हमने कोशिश की है एक दूसरे के इंस्टाग्राम में से कुछ अच्छा कुछ निकालने के, लेकिन वो बारिश बहुत तंग कर रहे हैं, इस वजह से कॉल ऑफ हो गई। मैंने निकाले नसीम के बहुत सारे निकाले, लेकिन मुझे नहीं मिले, मैंने मैसेज नहीं खोले। मेरे ख्याल से बारिश बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो इस वजह से आप मैच जो है ना वो ड्रॉ हो गया। नहीं, बारिश की वजह से ना नेट प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैसेज नहीं खुल रहा है। ये थे नसीम और हसनैन, जिन्होंने एक दूसरे का डीएम चेक करा। सो आप लोगों में, आप में से किस किस ने अपने फ्रेंड्स के डीएम चेक करे, या किस किस ने लड़का बन के या लड़की बन के अपने फ्रेंड्स को चेक करा है, प्लीज़ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स में। और किसी के किस्से हो तो बाकी और कुछ किस्से हो फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो वो भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। बाकी अल्लाह हाफिज़।